और हवाई यात्रा के दौरान फिलहाल आपका मोबाइल फोन तकरीबन बेकार हो जाता है, ना तो आप मोबाइल के जरिए किसी से बात कर पाते हैं और ना ही व्हाट्सएप या फेसबुक का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जल्द ही हवाई सफर में इंटरनेट का रास्ता साफ होने वाला है और टेलीकॉम कमीशन की इस महीने होने वाली बैठक में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि ये सुविधा जेब पर थोड़ी भारी पड़ेगी। हवाई यात्रा के दौरान भी आपके स्मार्टफोन की स्मार्टनेस बरकरार रहेगी, क्योंकि हवाई सफर के दौरान भी आप व्हाट्सएप पर चैट कर पाएंगे और फोन पर अपने करीबियों से बात भी। टेलीकॉम कमीशन की इस महीने होने वाली बैठक में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन हवाई यात्रा के दौरान व्हाट्सएप पर चैट करने या टेलीफोन पर बात करने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। जानकारों के मुताबिक एक मिनट कॉल के लिए यात्रियों को 50 से 60 रुपए तक देना पड़ सकता है। उसी तरह से आधे से एक घंटे तक इंटरनेट यूज करने के लिए 500 रुपए से 1000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि वाईफाई की सुविधा से व्हाट्सएप और स्काइप के कॉलिंग फीचर का भी प्रयोग कर सकेंगे। आपका जो फोन है, जो सर्विसेज आप नेट की उससे डेटा सर्विसेज यूज करते हैं वो आप कर पाएंगे, यानी कि आप बैठे हुए हैं अपनी सीट पे हवाई जहाज़ में और आपको व्हाट्सएप करना है तो आप कर पाएंगे, आपको वेब ब्राउज करना है अपनी फ़ोन पे तो आप कर पाएंगे। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को मंजूरी मिलने के बाद एयरलाइंस कमर्शियल बेसिस पे सर्विस शुरू कर पाएंगी। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट तेजी से फैल रहा है। कुछ एयरलाइंस इंडस्ट्रीज ने अभी इसको एक मार्केटिंग इंसेंटिव के तौर पर शुरू कर दिया है, तो जो बड़ी एयरलाइंस हैं वो ऑलरेडी कर रही हैं। विदेशों की बहुत सारी एयरलाइंस है, गल्फ आपकी एमिरेट्स है, लुफ्तांसा है, वो सारी कर रही हैं। पहले उनका इरादा था कि हम सिर्फ बिजनेस ट्रैवलर्स को देंगे, पर आज की डेट में ये बड़ा मुश्किल हो गया कि डिफाइन करना कौन बिजनेस ट्रैवलर है कौन नॉन बिजनेस ट्रैवलर है, तो अब ये कॉमन फीचर धीरे धीरे होता जा रहा है। अभी हवाई जहाज के अंदर घुसते ही आपको मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने या फ्लाइट मोड पर करने के लिए कहा जाता है, यानी आपका स्मार्टफोन सिर्फ डब्बा बन जाता है। लेकिन जल्द ही आप हवाई यात्रा के दौरान भी अपनों के करीब रहेंगे। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बार शुरू होने के बाद लगभग हर एयरलाइन को इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की सुविधा एक रेगुलर फीचर के तौर पर जो है देनी होगी, ताकि कॉम्पिटिशन के इस दौर में वो बाहर न रह जाए। कैमरा पर्सन तेज सिंह के साथ मैं शिव यादव, जी मीडिया के लिए।